हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम यहाँ पे हाउस वायरिंग को ठीक कर रहे थे, तो सोचे कि ये फॉल्ट आप लोग के साथ भी शेयर करें कि अगर आपके घर में ऐसा फॉल्ट है तो उसे आप कैसे ठीक करें। ओके, तो यहाँ पे एक सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि दोनों में डबल फेज आता था, मतलब कि यहाँ पे भी डबल फेज आता था और इस पे भी डबल फेज आता था। तो प्रॉब्लम क्या था कि जिसने भी वायरिंग किया था, ये फेज में से न्यूट्रल को दे दिया था, मतलब कि न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दिया था, और जो ये फेज का है उससे न्यूट्रल दे दिया था। तो मैंने देखो, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल को यहाँ फेज से कट कर दिया, ये फेज का वायर है, तो उससे मैं डायरेक्ट सॉकेट में डाल दिया हूँ, और ये न्यूट्रल का वायर है, इसमें से मैं एक टैपिंग निकाल के इसमें डाल दिया हूँ सॉकेट में, और एक डाल दिया हूँ होल्डर में। दोस्तों याद रखें, जब तक एक फेज और न्यूट्रल नहीं आएगा तब तक बल्ब नहीं जल सकता है। तो दोस्तों दोस्तों देखिए, ज्वाइंट जो है आपको प्रॉपर ज्वाइंट करना है, और इस पर टेप अच्छे से मारना है। टेप आप अच्छे से लगाइएगा, बिना टेप लगाए हुए इसे नहीं रखिएगा। तो अब मैं सोचा कि ये फॉल्ट आप लोग के साथ शेयर करूँ, छोटा सा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे दोस्तों आप सभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।